तो नजर करिए सूरत ऊपर, तो सूरत ना अलथाण में गतरोज नानू नामना व्यक्ति की हत्या मामलो कि ज्या पोलीसे त्रण जेटला आरोपीओ ने महाराष्ट्र खाते थी झड़पी पड़ा है। तेरे पोलीस की पूछपरछ में मरनार व्यक्ति ने 50,000 रुपया आप्या था, ते पैसा न आपी अवारनवार जे वायदो करतो हतो, त्यारे अदावत राखी तेनी हत्या कर्या होवानी कबूलात करवामां आवी छे। तो सूरत नी घटना के ज्या सूरत ना अलथाण मां गत रोज नानू नामना व्यक्ति नी हत्या नो आ मामलो छे के ज्या पोलीसे त्रण जेटला आरोपी नी महाराष्ट्र खाते थी धरपकड़ करी हती, त्यारे पोलीस ने पूछपरछ मां मरनार व्यक्ति ने 50,000 रुपया आप्या हता, ते पैसा परत न आपतो होवाथी अवारनवार वायदो करतो हतो अने आवी अदावत राखी तेनी हत्या कर्या होवानी कबूलात करी छे। सूरत सिटी के अलथाण पुलिस स्टेशन में आगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने 3 लोगों ने चाकू से मार के एक आदमी की हत्या कर दी थी। उसके बाद में जब हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो तीनों आरोपियों को पहले आइडेंटिफाई किया और उसके बाद में उनके पीछे अलग अलग टीम बना के लगाई। तो तीनों आरोपियों को हमारी टीम ने नंदुरबार महाराष्ट्र से अरेस्ट किया। तीनों आरोपी प्रदीप उर्फे सैंडी भोलानाथ शुक्ला, ये SMC आवास पिपलोद में रहता है और मूल रूप से ये प्रयागराज UP का है। शुभम प्रेमनाथ दुबे उर्फे दामोदर, ये यहाँ डिंडोली में रहता है और ये भी मूल रूप से प्रयागराज UP का है। तीसरा आरोपी सुनील सिंह उर्फे टाइगर राणा प्रताप सिंह राजपूत, ये वेड रोड सूरत में रहता है और मूल रूप से गाजीपुर UP का है। ये तीनों आदमी जो मरण जनार है उसको प्रदीप उर्फे सैंडी भोलानाथ शुक्ला है, उसने करीब 6 महीने पहले 50,000 रुपये उधार दिए थे और उसको लेके कई बार इनमें आपस में बहस हुई और गई काल रात को मरण जनार ने इनको यहाँ पे आभवा चौकड़ी पे बुलाया था कि अपने पैसे ले जाओ। तो ये लोग 7 बजे वहाँ आए, 7 बजे से 10 बजे तक कई बार कॉल किया और ये तीनों जो आरोपी हैं वो नशे की प्रवृत्ति वाले हैं, उस समय भी इन्होंने नशा किया हुआ था। बाद में ये तीनों आरोपी रात को सुनील उर्फे टाइगर का जो वेसु में घर है वहाँ पे जाके रात को सो गए, वहाँ भी इन्होंने रात को दारू पी। अर्ली मॉर्निंग ये लोग उठे तो ये उसी में ही थे, सुबह उठ के इन्होंने फिर से दारू पी और उसको ढूंढने के लिए निकले। तो ये पहले आबवा गए, वहाँ पे उसको कई देर तक उसकी रेकी की, उसके बाद जब वो आबवा से निकला तो पीछे पीछे बाइक पे उसको फॉलो किया। जब वो आगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे एक अपने परिचित के पास बैठ के चाय पी रहा था उस टाइम पे इन्होंने पहले से चाकू लिए हुए थे, नशे में थे। तो तीसरा जो आरोपी है सुनील सिंह उर्फ टाइगर, उसने बोला कि आज इसको निपटा देते हैं, 2 दिन से हैरान कर रहा है। तो चाकू से इन तीनों ने ताड़प तोड़ उस पर हमला किया और इसमें मरण जनार है, उसकी डेथ हो गई। इन तीनों को नंदुरबार रेलवे स्टेशन से हमारी टीम ने नंदुरबार पुलिस की मदद से और हमारी क्राइम की टीम इन सब ने मिलकर और वहाँ से तीनों को कस्टडी में लिया और अभी पुलिस स्टेशन में आगे का प्रोसीजर इनका चालू किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन। सर, हत्या में जिस तरह से उपयोग किया गया है चाकू का, क्या कुछ बरामद हुआ इनके पास? अभी इनिशियली इसने ट्रेन से चाकू फेंकने की बात कही है कि चलती हुई ट्रेन में से इसने उधना रेलवे स्टेशन के बाद में चाकू कहीं फेंक दिए हैं। तो अभी इनको अरेस्ट किया जाएगा, बाद में इनका मेडिकल कराने के बाद इन्होंने कहाँ फेंका है वो जगह पे जाके चाकू रिकवर किए जाएंगे और यहाँ से ये लोग जिस बाइक से